हेलो फ्रेंड्स, वेदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं इंदु भाई आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि आज हम आरआरबी एएलपी के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे, तो आज हम वही करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आज आपको ये बता दूं कि आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए और डेली बेसिस पे हमारे वीडियोस देखिए, क्योंकि जो डेली एनालिसिस होने वाला है वो तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ही। अब हम आपके साथ डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस, वो भी सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि जीएस पे वीडियो हम अलग से शेयर करेंगे कि 9, 10, 11 जितने भी पेपर हो चुके हैं अब तक, उनमें कौन कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 9th और 10th को किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, उनका सॉल्यूशन आपके सामने लेके मैं हाजिर हुआ हूँ आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने कल आपसे बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी एक आध शिफ्ट में आया था। सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, जो पहला क्वेश्चन कल की पहली शिफ्ट में 9 अगस्त को पूछा गया था, जो कल की शिफ्ट में आया था आपका, वो क्या था, तो हम देखें। उसमें आपको दिया हुआ था कि एक अमाउंट है जिसका प्रिंसिपल है 1600 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका है यहां पर वो है 10% पर एनम, और टाइम आपको दिया था 3 ईयर्स का, एंड दे आर आस्किंग द एसआई। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, उसी ट्रिक से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 1600 का 10% क्या होगा, डिवाइड कर दीजिए, भाग करिए भाई 1600 में 10 का। पहले 10% जब भी निकालना होता है हम क्या करते हैं, 10 का भाग 10 का भाग, ये क्या हो गया आपका 10%। जब 160 10% है किसका, 1600 का, आपको एक साल में मिलता है, तो 3 साल में 3 गुना होगा कि नहीं, 1 साल में आपको 160 रुपए मिल रहे हैं, तो 3 साल में इसका 3 गुना, मतलब आपका आंसर होगा 480 रुपीज। या आप ऐसे कर सकते थे, अगर 10% 1 साल में मिलता है तो 3 साल में 30% मिलेगा, 1600 का 30% आप डायरेक्ट निकाले थे। कैसे, 1600 का 10% हमने निकाला था 160, उसका 3 गुना 30% रहेगा 480। अब देखते हैं हम ऐसा ही पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो अमाउंट है वो 942 रुपीज़ है, मतलब मिश्रधन आपको दिया था 942 रुपये, कोई राशि है वो 942 रुपये हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया था 9.5% पर एनम प्रतिवर्ष, जो टाइम है आपका यहाँ पर वो आपको दिया गया था 6 ईयर्स, एंड दे आर आस्किंग द प्रिंसिपल, वो बोल रहे थे कि इसका जो मूलधन है वो क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा। तो कुछ नहीं करना था एक्चुअली, मैं आपको अमाउंट दे के रखा है, तो आप कुछ नहीं करोगे, 9.5 का 6 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है आपका 57%। तो एग्जैक्टली आपको जो ऐसा ही अमाउंट बराबर क्या होता है, अब यहां पर पी तो था, ऐसा ही की जगह पे क्या आएगा, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ उसके हिसाब से ही देखेंगे। अगर एक साल में 9.5% मिलता है तो 6 साल में इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आता है 57%, किसका 57% ऑफ P. तो ये क्या हो जाएगा 57% किसका, आपके प्रिंसिपल का, ये हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। तो आप इसे लिखोगे यहां पर सॉरी 57% ऑफ पी, ये तो प्रिंसिपल था, ये अपने आप में 100 है और इसी का कितना 57, तो ये कितना हो गया आपका टोटल, अगर आपने यहां पर देखा हो तो ये कितना हो गया 157% ऑफ पी, बराबर आपको कितना दिया होता फ्रेंड्स 942। अब P बराबर 942 अपॉन 157 इंटू 100% का साइन हटाया, कैंसिल किया 6 10, तो आपका आंसर कितना हो गया यहाँ पर 600 रुपये। तो मूलधन कितना था 600 रुपये। जो अगला प्रश्न है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है आपका वर्क एंड टाइम से रिलेटेड। वर्क एंड टाइम पे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, एक है आपका मेंस पे आधारित कि 10 आदमी किसी काम को इतने दिन में कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं भाई, आपको बोला गया है 10, एक टीम है ए और एक टीम है बी, 10 10 आदमियों की। जो टीम ए है वो टीम किससे, बी से डबल इफिशियंट है, मतलब इनकी इफिशियंसी 2 है तो इसकी क्या हो जाएगी आपकी 1, ये इससे कितने डबल कार्य कुशल है। यदि टीम ए किसी काम को, यदि टीम ए किसी काम को कितने दिन में पूरा करती है भाई, आपका बोला जाए तो 20 दिन में, कितने दिन में पूरा करिए 20 डेज में, टीम ए कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज, तो टीम ए के
दो व्यक्ति और टीम बी के 8 व्यक्ति मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपसे क्या बोला गया है, मैं फिर से बता रहा हूं, आपसे सीधा सीधा पूछा गया है कि यहां पर यह बताइए कि टीम ए के कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति, और टीम बी के 8 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा। कुछ नहीं, आपका जो नॉर्मल फॉर्मूला M1 D1 M2 D2 इसमें लगेगा वर्क एंड टाइम का, हम वीडियोस डाल चुके हैं ऑलरेडी। यहां पर अगर M1 का देखा जाए तो M1 आप मानोगे क्या, जो पहले आपको गिवन था, क्या गिवन था कि 10 आदमी किसके, टीम ए के, तो मैंने यहां पर किससे मेंशन किया 10A मल्टीप्लाई काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो M2 क्या होगा आपका 2A + 8B, टीम बी के 8 लोग और टीम ए के 2 लोग, मल्टीप्लाई आपका क्या निकालना है यहां पर D2 उनके दिन। तो यहां पर आपको इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक ही यूनिट में। तो आप ये बताइए, अगर मैं यहां पर 2A लिया हूं, इसको मैं किस में कन्वर्ट करूं, B में, या तो मैं यहां पर पूरा कन्वर्जन किस में कर दूं, B में। तो यहां पर जब आप 8B लेके बैठे हैं तो मैं पूरा चेंज करता हूं किस में, A में। अगर मुझे जहां पर 8 आदमी लगेंगे B टीम के, वहां पर A टीम के कितने आदमी लगेंगे, 4, क्योंकि जो A टीम है वो आपकी डबल इफिशियंट है, ज्यादा कार्यकुशल है, दुगनी कार्यकुशल है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 2A + 4A × D2, 10A × 20। तो यहां पर क्या हो गया, 10A × 20, 6A D2, A से A कैंसिल, यहां पर इनका मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आया, 200/6D2। अब यहां पर कुछ भी नहीं करना है आपको, यहां पर आप कैंसिल करोगे इससे, ठीक है। आपका आंसर आएगा 33 सही 1/3 दिन। यहां पर जो आपका आंसर है वो क्या आया फ्रेंड्स, 33 सही 1/3 दिन, जब पूरा सॉल्यूशन हमने किया है। ये जो एनालिसिस है कंबाइंड एनालिसिस है आपका 9 और 10 अगस्त का मिलाकर, तो इसमें कॉमन ही क्वेश्चन आ रहे, जो आपके 9 अगस्त को पूछे गए थे उसी टाइप के क्वेश्चन आपके 10 अगस्त को भी पूछे गए, तो उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन हैं जो मुझ तक पहुंचे हैं और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहां पर अगर मैं बात करूं वर्किंग टाइम से ही, दूसरा आपका जो क्वेश्चन था वो किससे पूछा गया था, पाइप एंड सिस्टर्न से, नल और टंकी से। तो यहां पर क्या पूछा गया था, अगर नल ए और नल बी, अगर नल ए किसी टंकी को कितनी देर में भर रहा है, 12 घंटे में, और नल बी किस उसी टंकी को कितनी देर में भरता है, तो दोनों मिलकर काम करें, यहां टाइम दिया है, दोनों मिलकर काम करें तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन में कई बार करा चुका हूं, ये डले हुए हैं ऑलरेडी वर्क एंड टाइम टॉपिक में, बिल्कुल नॉर्मल सी मेथड है और उसी पे आधारित आपका आया है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आसानी से बन जाएगा। 12 और 15 का हम क्या लेंगे, एलसीएम, और एलसीएम लेके हमारा क्या निकलता है, टोटल वर्क। तो 12 और यहां पर क्या है आपका 15, इसका एलसीएम लिया तो यहां पर कितना आया, 60। अब अगर 12 घंटे में, अब ये जो 60 है हम इसे ले लेते हैं 60 लीटर, आपको टोटल वर्क है 60 लीटर, हमने माना टंकी कितने की है, 60 लीटर की। यदि 12 घंटे में ये 60 लीटर भरता है तो एक घंटे में कितनी भरता होगा, 12 का भाग कर दो 60 में, 5 लीटर। और ये इफिशियंसी आ रही है पर आर, कैसी है आपकी पर आर, यहां पर कितना आएगा ऐसी, 4 लीटर। दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक घंटे में कितनी भरेगी, तो आपको कितनी भरनी है, 60 लीटर। तो जब आपका ए और बी साथ मिलकर काम करेंगे तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, 60/9। आपका आंसर क्या आया, 6 सही 2/3 घंटे। तो ये आपका आंसर है यहां पर कि कितनी देर में टंकी भर जाएगी, तो टाइम आपका निकल के जो आया है दोनों का मिलके वो आया 6 सही 2/3 घंटे, ये आया आपका 6 सही 2/3 घंटे। अगर इसको हम चाहें तो हम और क्या लिख सकते हैं, भाई 6 घंटे तो आपके कंप्लीट है, लेकिन 2/3 घंटे जो है ये मिनट में निकाले जा सकते हैं। जी हाँ, मिनट में जब घंटे को निकालना रहता है तो आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 60 का कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या हुआ, 6 घंटे और 40 मिनट, या 6 सही 2/3 घंटे। तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि हमने यहां पर क्या किया है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देखते हैं, हमें जल्दी जल्दी पूरा कंप्लीट। टाइम एंड डिस्टेंस से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम वो देखते हैं कि आपका जो टाइम डिस्टेंस से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या है। टाइम डिस्टेंस और स्पीड से एक क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था
उसमें आपको देख के रखा था कि भाई आपका मैं ड्रॉ कर देता हूं, यहां पर एक ब्रिज है जिसे एक ट्रेन क्रॉस करती है, और जो ब्रिज है वो आपका 100 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है? 100 मीटर लंबा है। ट्रेन की जो लेंथ है वो आपको देखिए नहीं रखी गई है, एंड दे आर आस्किंग द लेंथ ऑफ द ट्रेन, वो आपसे लेंथ पूछ रहे हैं। यदि वह इसे, यहां पर टाइम भी देके रखा हुआ है आपको, 10 सेकेंड में पार करती है, और ट्रेन की जो स्पीड है वो भी आपको देखे रखी हुई है, जो कि है 90 किलोमीटर पर आर। तो हमें निकालना है यहां पर लेंथ। तो सिंपल सा कंसेप्ट लगेगा भाई, ट्रेन आपकी है, इसे पार करना है एक ब्रिज को, तो आपको जो गिवन डेटा उसके हिसाब से देखते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर जो स्पीड है आपकी कितनी दी है, मैं लिख लेता हूं 90 किलोमीटर पर आर, बट जो डिस्टेंस है वो आपकी कैसे काउंट होगी यहां पर, तो हम देखते हैं। तो आपकी यहां पर डिस्टेंस कैसे काउंट होगी, ट्रेन की लेंथ एल प्लस जो लेंथ उसने क्रॉस करी थी वो 100 अपॉन में क्या आएगा आपका 10 सेकेंड। अब यहां पर 90 किलोमीटर पर आर, ये कितने में है आपका टाइम, सेकेंड में है। अगर सेकेंड में है तो हमें एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब किलोमीटर पर आर को मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा, अब आपका किस में कन्वर्ट होगी, ये मीटर पर सेकेंड में। अब यहां से अब क्या होगा आपका, यहां से और मल्टीप्लाई में आपकी वैल्यू कहां आ जाएगी, ये 10 सेकेंड उठ के आ गया आपका यहां पर एल प्लस 100। अब यहां पर जो ये सॉल्यूशन है आसानी से हो जाएगा, यहां पर कितना आएगा 5 5 5 25 25 into 10 250 एल प्लस एल बराबर क्या हो गया 250 माइनस, तो 150 मीटर किसकी लेंथ थी आपकी, ट्रेन की लेंथ थी। तो ये था आपका क्वेश्चन, बहुत आसान सा जो आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या था। टाइम डिस्टेंस और स्पीड से ही पूछा गया एक क्वेश्चन है, वो मैं आपके साथ फिर से एक और क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं जो हम देखेंगे यहां पर। उसमें आपको दिया गया था ट्रेन की लेंथ है 150 मीटर टी 42 सेकेंड। अब यहां पर जो आपको दिया गया है, देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने ब्रिज की लेंथ हमें दी गई थी, इसमें ब्रिज की लेंथ आपसे पूछ ली गई है, और आपको जो ट्रेन की, आपकी जो ट्रेन क्रॉसिंग करने वाली उसकी लेंथ 150 देख के रखी, स्पीड 54 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है उसे इस ब्रिज को क्रॉस करने में 42 सेकंड। तो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन था, देखो आज का क्वेश्चन है जिससे पहले किया स्पीड डिस्टेंस का वो कल का क्वेश्चन था, और आज जो 10th अगस्त को पूछा गया है इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। तो सिमिलैरिटी देखो आप, यहां पर अगर हम देखें स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां पर स्पीड कितनी है आपकी 54 किलोमीटर पर आर, लेकिन सेकंड में टाइम है, तो आप उसे चेंज करोगे, जी बिल्कुल। यहां पर अगर हम देखेंगे आपका एल, जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी दी है 150, ट्रेन की लेंथ L1 ले लेते हैं या L2 ले लेते हैं, प्लस L2 जो कि प्लेटफॉर्म की लेंथ P भी मान सकते थे, आपके ऊपर है वो, तो प्लस L2 अपॉन में क्या आएगा आपका यहां पर 42 सेकंड। इसे कन्वर्ट करने के लिए 54 5 बाय 18, तो एक इसमें कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में, और यहाँ 42 का मल्टीप्लाई भी होगा क्योंकि ऊपर आएगा यहाँ पर 150 प्लस L2। अब यहाँ पर ये कैंसिल होगा यहाँ से 3 3 5 15 15 का 42 में करोगे तो आपका आएगा 630। तो जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो आपकी कितनी आई यहाँ पर 480 मीटर्स। तो आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा कि हमने यहाँ पर क्या सॉल्यूशन किया है और कैसे इसे सॉल्व किया है। कहीं भी दिक्कत होती है तो आप और भी पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे अगर बात करूं तो आपका जो प्रॉफिट और लॉस टॉपिक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, देखो लॉस प्रॉफिट का, जैसे मान के चलिए आज ही का क्वेश्चन है 10 अगस्त का, भाई यदि किसी व्यक्ति की सैलरी 20% बढ़ाई गई और फिर 20% कम कर दी, समझोगे आप, मतलब भाई सैलरी थी उसकी 100, पहले कितनी बढ़ाई मैंने 20%, ठीक है, यहां देखना अच्छे से, तो कितना माइनस होगा 20, भाई माना उसकी सैलरी कितनी 100 रुपए थी, 20 माइनस हुआ 80 रुपए हो गया, सॉरी प्लस हुआ, बढ़ाई है ना, ठीक है ठीक है, 120 रुपए, 20 रुपए बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि यहां पर 20% बढ़ा है। अब इसी में से फिर क्या कर दिया उनने बाद में, कम 20% कम कर दी, मतलब पहले 20% बढ़ाई फिर 20% कम कर दी,
अब जो 20% कम होगा वो किससे होगा? भाई जो उसकी बढ़ी हुई सैलरी 120 में से, 120 का 10%, 10 का भाग करो 12, 12 का डबल 20% हो जाएगा 24। तो यहां पर ये पूछा गया था, ये बताओ उसकी सैलरी में कितने प्रतिशत बढ़ी या घटी, कुल उसकी सैलरी कितने प्रतिशत बढ़ी या घटी। तो कितने परसेंट बढ़ी या घटी, तो हम देखेंगे यहां पहले 100 थी, अब 96 हो गई, मतलब कितने परसेंट कम हो गई, 4%। इसे करने का एक और सा बहुत आसान तरीका है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। जब भी 2% चेंज दिए जाएं, ये फॉर्मूला आप आसानी से यूज कर सकते हो। तो यहां पर हम देखेंगे, ठीक है, x की जगह पे क्या लिख सकते हो, जल्दी लिखेंगे 20 और माइनस 20 प्लस 20 इंटू माइनस 20 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, बचा कितना 2 इंटू माइनस 2, तो माइनस 4%। आपका आंसर कितना है, माइनस 4%। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं भाई, एवरेज से भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ ज्यादा पूछा नहीं जा रहा। देखो, जैसे आपको दे दिया जाए 32, तीन व्यक्ति हैं एबीसी, उनकी ये एजेस है, उनकी आयु का एवरेज बताओ। मतलब क्या बताओ, एवरेज, एवरेज मतलब औसत। फ्रेंड्स यहां पर आप हमको क्या करना है, जोड़ना है 32, 36, 42 और फिर उसका एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द यूनिट्स, मतलब जो आपको दी गई जितनी भी यूनिट है, जितने भी एलिमेंट है, उनको जोड़ दो और उन्हें गिन के काउंट करके उतने ही नंबर्स का भाग दे दो। कितने लोग हैं, 1, 2, 3, तो 3 का डिवाइड होगा और इनका टोटल कर लो, तो 110/3, और डिवाइड करेंगे, कैंसिल करो, 36 is to 2/3 ईयर्स या 36.66 ईयर्स, इट डिपेंड ऑन योर ऑप्शन। फ्रेंड्स अब मैं आपके सामने लेके आऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो यहां पर डिस्कस करने वाला हूं मैं, प्रॉब्लम ऑन एजेस पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम यहां देखें प्रॉब्लम ऑन एजेस में क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, जैसे कि आपसे पूछा गया सीता की आयु राम की आयु का दुगना हो जाएगी 8 से 10 वर्ष बाद, और यदि उनकी आयु का योगफल 40 वर्ष है, वर्तमान में 40 वर्ष है, तो यह बताइए राम की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए कुछ नहीं है ज्यादा, राम और सीता की आयु का टोटल आपको वर्तमान में दिया है, कितना दिया है 40 इयर्स, इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ ज्यादा नहीं आ रहा। यहां पर आपने x माना था और यहां पर कितना था आपका 2x, यहां पर कुछ नहीं है, डबल है, बस इतना बोला गया था और कुछ ज्यादा तो बोला नहीं था। अब आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है, यहां पर या तो इस ईयर में आ जाओ तो x माइनस 10 और 2x माइनस 10 करना पड़ेगा, या तो इसको वहां पर, तो हम करते हैं 8 से 10 साल पहले राम की आयु यहां पर क्या हो जाएगी, x माइनस 10, 10 वर्ष कम हो जाएगी, सीता की 2x माइनस 10, दोनों का टोटल कितना दिया है, x माइनस 10 प्लस 2x माइनस 10 बराबर 40 इयर्स, यही दिया हुआ है कि नहीं दिया है, बिल्कुल यही आपको यहां पर दिया गया है। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर इन दोनों का आप टोटल करिए, माइनस 10 और माइनस 10 कितना, माइनस 20 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो यहां पर कितना 60x और 2x 3x हो गया, तो x बराबर कितना आ गया यहां पर 20। तो अगर आप देखो राम की वर्तमान आयु अगर आपको देखनी, तो वर्तमान में राम की आयु कितनी है, यहां तो 20 आया है, लेकिन 20 कब थी उसकी, 2028 में, वर्तमान में 20 माइनस 10, मतलब 10 इयर्स का है राम। अगर सीता का पूछा जाता तो 2 into 20 40 minus 10, तो यहां पर आ जाती 30 इयर्स की, यहां पूछा जाता तो 20 इयर्स और 40 इयर्स। आई होप आपको समझ में आएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत आसान तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जैसे रेशियो और प्रोपोर्शन की बात करें तो हाँ उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन बहुत इजी आ रहा है। जैसे कि थर्ड रेशियो प्रोपोर्शन जो मैंने आपको पढ़ा चुका है वीडियो में भी, उससे रिलेटेड आया था कि 2 and 98 का थर्ड रेशियो प्रोपोर्शन क्या होगा, ठीक है, सॉरी थर्ड रेशियो प्रोपोर्शन नहीं, मिड रेशियो प्रोपोर्शन, मध्यानुपाती जिसे आप कहते हो, मिड रेशियो प्रोपोर्शन क्या होगा। तो आपको भी पता है इसका मतलब क्या होता है, ये ए है और ये सी, और आपको क्या निकालना है यहां पर, बी। ये वाले क्वेश्चन कैसे होते थे देखिए, याद करिए, मैंने पढ़ा चुका है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता था, ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी, यहां पर बी आपको निकालना, बाकी सब तो दिया हुआ है, 2 upon b बराबर b upon 98, तो b square बराबर 196, 196
रूट लग जाएगा, तो किसका स्क्वायर रूट निकलेगा यहाँ पर, b बराबर कितना आ गया 14, तो मध्यानुपात आपका कितना होगा यहाँ पर 14, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आया रेशियो प्रोपोर्शन से, तो आपको आइडिया लग गया होगा कितना आसान आ रहा है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कॉपर और जिंक का रेशियो दिया था और एंड ये आपको दिया गया था कि भाई कॉपर और जिंक का रेशियो है 17:7 और जिंक और निकल का रेशियो आपका है 3:4, तो हमें यह बताइए कि इनका कॉमन रेशियो क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब दे आर आस्किंग ए बी सी, लाइक ये ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन करना है, तो बहुत आसान है। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बहुत आसान ट्रिक है, बन जाएगी तुरंत। अब यहां पर कुछ नहीं, उल्टा एन बनाना आता है, अपोजिट एन, अगर उल्टा एन बनेगा तो कैसे बनेगा, बस वही बना दो यहां भाई। उल्टा एन कैसा बनता है देखो, जैसा मैंने बनाया ये उल्टा एन टाइप दिख रहा है, हाँ ये उल्टा एन ही है, और जो ये उल्टा एन आपका बना है इसको जस्ट आपको हमेशा क्या करना है, इसी को लेके चलना है। कैसे ये देख लेंगे, सी का सी यू का अब यहां पर मैं लिखता हूं सेम वैल्यू जो इनकी दी गई है, 17:7 और 3:4। तो पहले आपका 17 का 3 में होगा तो कितना आएगा 51, फिर n बनाना 3 का 7 में करोगे तो 21, फिर 7 का 4 में करोगे तो 28। क्या इन तीनों में कुछ कैंसिल हो रहा है? जी नहीं, इनमें आप कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो आपका जो रेशियो आएगा वो आएगा 51:21:28, जो आपका आंसर है वो ये है उल्टा n। बिल्कुल सीधी प्रोसेस थी, 17 का 3 में किया तो आपका 51 आया, 7 का 3 में किया तो 21, 7 का 4 में किया तो 28। बहुत कॉमन है, उल्टा एन बनाओ आपका सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। बहुत ही सिंपल स्क्वायर रूट पूछे गए थे, स्क्वायर रूट जो पूछे गए हैं वो मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, 153 का 76 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो इसका आंसर था भाई आपका 124। बहुत सिंपल है, आपको मैंने जो मेरा सबसे पहला वीडियो है वो इसी पे बना हुआ है, स्क्वायर रूट पे आप जरूर देख सकते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सिंपल था, लास्ट की 2 डिजिट को हम कवर करते हैं बी सेक्शन के लिए और बाकी की ए। 6 आया 6 किसके में आता, 7 से तो हमें कोई मतलब नहीं, लास्ट यूनिट डिजिट, तो आप देखो किसके 1 से लेकर 9 तक के में किसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट 6 आती, 4 की आती है और 6 की, 4 4 16 होता है तो 16 का 6 यहाँ आ रहा है, 6 6 36 होता है उसका भी 6 यहाँ आ रहा है, तो आपका कन्फर्म हो गया कि 4 और 6 में से एक आंसर होगा। 153 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 12 का, तो ये तो आपने लिख लिया यहां पर 12 आ गया, अब बचा 4 आएगा या 6, तो 12 का जो पहली डिजिट नंबर कंफर्म हुआ था, 12 का एक डिजिट ऊपर 12 का 13 में गुणा करो 156 आएगा, कितना आएगा 156। जो सेक्शन ए है वो छोटा है 156 से, तो आप कौन सा लोगे यहां पर छोटा, तो यहां पर 124 आएगा। और इसको डिटेल में देखना, बहुत आसान ट्रिक है, अच्छे से समझ में आ जाएगी, हमने डिटेल में कैलकुलेशन पर वीडियो डाल रखा है, सबसे पहला वीडियो है, पूरा डिटेल में आपको क्लियर हो जाएगा, 2 पार्ट्स में है वो, है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम क्या था। एक क्वेश्चन और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बिल्कुल जो पूछा गया है, तो सिमिलर वे में इसका भी आंसर आ गया आपका 57। तो स्क्वायर रूट जो है उसको आपको प्रॉपर देखना है, जाइए थोड़ी देर का वीडियो है, अच्छे समझ में आ जाएगा। 6 12 20 32 and 56 आपसे पूछा गया था फाइंड आउट द ऑड वन, मतलब इसमें से विषम बताओ, सीरीज भी पूछी जा रही है याद रखिएगा। यहां पर गैप कितना है भाई 6 का, चलो ठीक है, यहां कितने का है, इसमें से आपको कोई और अगला नंबर नहीं निकालना है, इसमें ये बताना है गलत कौन सा है। फिर यहां गैप देखोगे तो 12 का, फिर कितने का आया है आपका 10 का और फिर कितने का आया 14 का, तो यहां कुछ अलग लग रहा है, 6 से 2 बढ़ के 8 हुआ, 8 से 2 बढ़ के यहां कितना होना था, तो ये कितना होता अगर यहां 10 होता तो 30, फिर 30 से डिफरेंस कितना हो जाता है यहां पर 12 और फिर कितना है 14, तो मतलब गड़बड़ कहां हुई आपकी, यहां पर 12 की जगह पर क्या होना चाहिए था आपका 10, तो यहीं पर आपकी गड़बड़ हुई थी, मतलब इसमें रॉन्ग वन आउट निकालना था, गलत वाला नंबर बताना था जो कि है आपका 32, उसी जगह आएगा 30। तो आई होप जो आज हमने आपके साथ डिस्कशन किया है
फुल डिटेल में सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी हैं, आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही डेली मैं आपके साथ जो भी हमारे पास जितने भी क्वेश्चन शेयर होंगे सारे लेकर आपके सामने आऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। एंड कीप वॉचिंग अस। तो जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो और जितना शेयर हो सके शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the video.